What's up guys, Sanjot Keer here, welcome to IFL. गर्मी का मौसम आ गया और मेरा one of the most favorite summer beverages है आम पन्ना. और आम पन्ना जो बनता है मज़ा आ जाता है, it's such a refreshing drink. और आज जो आपको रेसिपी बना रहा हूँ उसमें आम पन्ने का कॉन्सेंट्रेट बनाएंगे जो आप काफ़ी समय तक घर पर स्टोर करके रख सकते हो. और जब भी आपको आम पन्ना बनाना है तो बस कॉन्सेंट्रेट डाला, बर्फ़ डाली, पुदीने के पत्ते डाले, पानी डाला और आम पन्ना रेडी. और इतना डिलिशियस ये आम पन्ना बनता है, मज़ा आ जाता है. तो ये आम पन्ने की रेसिपी, आम पन्ने का कॉन्सेंट्रेट बनाया कैसे जाता है वो देख लेते हैं. तो यहाँ पर एक किलो कच्ची कैरी ले ली है. कच्ची कैरी को आपको अच्छे से धो लेना है और धोकर पोंछ लेना है. कैरियों का ये जो हिस्सा होता है ये आपको निकाल लेना है. तो सारी कैरियों से इस तरीके से ये जो हिस्सा है वो काट कर निकाल लीजिए. जब इन्हें उबालते हैं तो कभी कभी वहाँ से कुछ सिक्रीशन निकलती है जिससे ऑफ स्मेल और ऑफ फ्लेवर आ जाता है. तो इस तरीके से एक बार आपने कैरियों को प्रेप कर लिया है तो एक प्रेशर कुकर ले लीजिए, कैरियों को इसमें ट्रांसफ़र कर लीजिए. साथ ही में इसमें पानी ऐड करना है. पानी आप देख सकते हो मैंने बहुत कम लिया है, जो भाफ क्रिएट होगी उसी से कैरियाँ पक जाएंगी. पानी बाद में यूज़ नहीं करना है इसलिए पानी कम ही लीजिए इस स्टेज पर. और एक चुटकी भर नमक ऐड करना है. अब कुकर का ढक्कन लगाकर 5 से 6 सीटियों तक मीडियम फ्लेम पर कैरियों को आपको पका लेना है अच्छे से. एक बार 5 से 6 सीटियाँ हो जाएँ उसके बाद गैस बंद कर दीजिए. कुकर को डीप्रेशराइज होने दीजिए, यानी कि इसकी जो स्टीम है उसे अपने आप निकलने दीजिए. उसके बाद सीटी चेक कर आप ढक्कन को खोल सकते हैं. तो ढक्कन खोल कर चेक कर लेते हैं तो आप देख सकते हो कैरियाँ हमारी एकदम अच्छे से पक चुकी हैं. अब इन कैरियों को निकाल कर एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेना है और हल्का सा ठंडा कर लेना है ताकि इसका छिलका उतारने में हमें आसानी हो जाए. एक बार ये हल्की सी ठंडी हो जाए तो इस तरीके से आपको इनका छिलका उतारना है. छिलका उतार कर छिलके पर भी जो पल्प लगा हुआ है एक चम्मच की मदद से अच्छे से पल्प निकाल लेना है. सारा पल्प निकाल लेना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है. फिर एक नाइफ को यूज़ करके जो गुटली है उस पे से भी पल्प अच्छे से निकाल लीजिए. तो सेम तरीके से सारी जो कैरियाँ हैं उनके छिलके उतार कर उसमें से पल्प निकाल कर गुटलियों से भी अच्छे से फ्लैश निकाल लीजिए. और सारा फ्लैश जो है एक बोल में कलेक्ट कर लीजिए. एक बार सारा पल्प आपने कलेक्ट कर लिया है तो पल्प को एक मिक्सर ग्राइंडिंग जार में ट्रांसफ़र कर लीजिए. अब इसके अंदर एक हरी मिर्च, 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा, 1/2 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून काला नमक, 1 टेबलस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 1 टेबलस्पून सौंफ का पाउडर ऐड करना है. अब बिना पानी ऐड किए इन सारी चीज़ों को साथ में पीस कर एक फाइन पेस्ट आपने तैयार कर लेनी है. अब आप देख सकते हो मैंने सारी चीज़ों को पीस कर एक फाइन पेस्ट तैयार कर ली है. तो यहाँ तक का तो आपने प्रोसेस देख लिया कैरी को पकाकर उसकी पेस्ट कैसे तैयार करनी है. उसमें और भी कुछ चीज़ें डाल दी हैं, वो कुछ चीज़ों के साथ कई जगहों पर पुदीना भी इसी स्टेज पर ऐड कर दिया जाता है. मैं कोशिश करता हूँ कि फ्रेश पुदीने के पत्ते जो हैं वो तोड़कर ऐड करूँ पन्ने में, एकदम फ्रेश फ्लेवर आता है. तो मैं यूजुअली यहाँ पर प्योरी नहीं बनाता हूँ. अगर पुदीने का एकदम ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर चाहिए तो जब भी आप पन्ना ये वाला बनाओगे तो ये कॉन्सेंट्रेट पानी डालकर एक मिक्सर ग्राइंडिंग जार में पुदीने के पत्ते डालकर ब्लेंड कर दीजिए, एकदम फ्रेश पुदीने का फ्लेवर आएगा. जो हरा रंग होता है वो मार्केट वाले पन्ने में वो यूजुअली एक फूड कलर का होता है. तो मैं तो कोशिश करता हूँ फूड कलर नहीं यूज़ करने के लिए, तो मैंने आज नहीं डाला. आप डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं. कैरी को पकाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब भी कैरी का पन्ना बनता है तो उसे पका कर जब हम कंज्यूम करते हैं तो वो बॉडी को बहुत कूलिंग वाला इफेक्ट देता है, कूलिंग प्रॉपर्टीज़ उसमें होती हैं. तो पकाना बहुत ज़रूरी है. पकाने के तरीके बहुत हैं, जैसे आज हमने प्रेशर कुक किया वैसे आप उबाल सकते हैं, स्टीम कर सकते हैं, छिलका उतार के भी कई लोग इसे पकाते हैं, या भून लेते हैं डायरेक्ट फ्लेम के ऊपर. जैसे बैंगन के भरते को भूनते हैं उसी तरीके से डायरेक्ट फ्लेम पर भूनिए, उसका पल्प निकालिए, स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा पन्ने के अंदर. तो पकाने के तरीके कई हैं लेकिन पकाना ज़रूरी है. तो कैरी को पकाकर इस तरीके से आप पेस्ट बनाइए. अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि शक्कर, पानी, ये चीज़ें मिलाकर एक कॉन्सेंट्रेट तैयार करना है. कई सारे कमेंट्स आने वाले हैं, पता है कि गुड़ यूज़ कर सकते हैं क्या? गुड़ ज़रूर यूज़ कर सकते हो. सेम क्वांटिटी जितनी चीनी यूज़ करने वाला हूँ उतना ही गुड़ यूज़ करना है. खाली रंग जो है थोड़ा सा डार्क हो जाएगा और टेस्ट में भी हल्का सा फ़र्क आ जाएगा, बट गुड़ आप यूज़ ज़रूर कर सकते हो. तो ये सारी चीज़ें पन्ने की बता दी, अभी नेक्स्ट स्टेप जो है वो देख लेते हैं. अब एक पैन के अंदर 500 ग्राम शक्कर और पानी आपने उतना डालना है कि बस शक्कर जो है वो कवर हो जाए. अब आपको शक्कर को पिघाल लेना है. पानी में शक्कर जो है वो अच्छे से मेल्ट हो जानी चाहिए. एक बार शक्कर मेल्ट हो जाए तो इसमें एक नींबू का रस ऐड कर दीजिए ताकि जो शुगर सिरप हमारा बनेगा वो क्रिस्टलाइज नहीं हो, इसमें दाने नहीं बने. तो एक बार आपने नींबू मिक्स कर लिया है उसके बाद एक छन्नी ले लीजिए. छन्नी में जो आम की पेस्ट हमने तैयार की थी वो ऐड कर दीजिए. आम की पेस्ट को अभी अच्छे से स्ट्रेन करना है आपको, छन्नी से पास कर लेना है ताकि अगर आम में कुछ रेशे रह जाएं तो वो हमारे पन्ने के अंदर नहीं आए.
पेस्ट ऐड करने के बाद एकदम अच्छे से स्टर कर लीजिए ताकि जो गुठलियाँ हैं पेस्ट की वो नहीं बने। एक विस्क यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब सारी चीज़ें एक बार मिक्स हो जाएं तो 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से आपको सारी चीज़ों को साथ में कुक कर लेना है। 4 से 5 मिनट बाद आप देख सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी एकदम सिरपी हो चुकी है। इसे जब भी मैं चेक करूंगा तो ऑलमोस्ट एक तार कंसिस्टेंसी हो गई है। आपको इतना चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं आपको बता रहा हूँ। एक बार आपने इस कंसिस्टेंसी तक पन्ने के कॉन्सेंट्रेट को पका लिया है तो गैस को बंद कर दीजिए और इस कॉन्सेंट्रेट को आप अच्छे से ठंडा कर दीजिए। तो पन्ने का कॉन्सेंट्रेट ठंडा हो चुका है, आप देख सकते हो। इसे अभी आप एक ग्लास के एयर टाइट कंटेनर में या कोई बॉटल में स्टोर करके रख सकते हैं। तो आम के पन्ने का कॉन्सेंट्रेट तैयार हो गया है। इसको आपने अगर अच्छे से स्टोर करके रखा है तो अगर फ्रिज के बाहर रखेंगे तो 1-1.5 हफ्ता, फ्रिज के अंदर रखा है तो 1-2 महीने तक भी आम का पन्ने का जो एक्सपायरी वो जल्दी नहीं आएगी। एकदम अच्छे से स्टोर करके रखेंगे और अच्छे से आपने पकाया है स्टरिलाइज्ड जार के अंदर या बॉटल में रखा है तो 6-6 महीने तक भी फ्रिज के अंदर रह जाता है। तो एक साथ बड़ी भी क्वांटिटी बनाकर स्टोर करके रख सकते हो। एक बार कॉन्सेंट्रेट बन गया है उसके बाद बस कॉन्सेंट्रेट, बर्फ, पानी, पुदीना डालकर चाट मसाला डाल सकते हो, जलजीरा पाउडर डाल सकते हो, पुदीने के पत्ते या पुदीने का पेस्ट डाल सकते हो, कई सारे वर्जन्स बनते हैं। तो अभी हम असेंबल कर लेते हैं और प्लेट कर लेते हैं अपने आम के पन्ने को वाईफल स्टाइल। मज़ा आ गया आज आम के पन्ने को पीकर। ये वाला क्या टेस्टी बनता है और समर परफेक्ट रेसिपी है। तो इस गर्मी के मौसम में ये वाला पन्ना ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट्स बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू YFL इफ यू हैवंट येट। हैव एन अमेजिंग टाइम विद दिस ब्यूटीफुल पन्ना रेसिपी एट योर होम। चीयर्स।